अब हम बात कर रहे हैं CSS3 में कलर्स, कलर्स की बात कर रहे हैं, CORs कलर्स की। अब इसमें देखिए कि CSS सपोर्ट कलर का नाम, आप कलर का नाम दे दीजिए चल जाएगा, आप दे दीजिए हेक्साडेसिमल नंबर जैसे हैश FF00FF तो चल जाएगा, अगर आप दे दीजिए RGB जैसे RGB और यहाँ पे 255 00 तो ये भी चल जाएगा। इसके अलावा CSS3 ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है वो है आपका, एक तो RGBA, ये होता है अल्फा, बताता हूं मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है RGBA, एक तो कलर्स होते हैं, एक आपका HSL कलर्स है, एक आपका HSLA कलर्स है, एक आपका ओपेसिटी है, तो ये सारी चीजें इसमें आएगी। आपसे ब्राउजर से सपोर्ट भी आपको देखना पड़ेगा, वैसे मोस्टली तो इसे सपोर्ट करते हैं। तो RGBA कलर क्या है इसमें सबसे बड़ी बात, RGBA कलर नेम्स, जो RGBA कलर वैल्यूज है, ये एक्सटेंशन है RGB कलर वैल्यूज के। इसमें साथ में जो RGBA में ये जो A देख रहे हैं ये है अल्फा चैनल, अल्फा चैनल, अल्फा चैनल क्या होता है, ओपेसिटी, ओपेसिटी के लिए कितना उपयोग है, ट्रांसपेरेंसी जो आप जिसे कहते हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से समझे तो एक RGBA कलर वैल्यू हम इस तरीके से देंगे RGB, यहां पर होगा रेड, यहाँ ग्रीन, यहाँ ब्लू और यहां पर होगा अल्फा चैनल ए। तो अल्फा पैरामीटर ये नंबर होता है 0.0 के बीच में जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा ये, और 1.0 दिया तो फुली ओपेक हो जाएगा, ओपेक यानी कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये सब चीजों को पीछे पे छुपा देंगे। तो इस तरीके से हम RGB, देखिए अब मैं रेड कलर आपको दिखाऊंगा और रेड कलर में देखिएगा इस अल्फा चैनल को चेंज करते कितना वेरिएशन दिखेगा आपको। वो छोटा सा एग्जांपल लेंगे, शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा पिछले बार हमने क्या किया था, बैकग्राउंड्स के बारे में बात की थी, काफी तफसी ही में बात की थी। अब हम जाते हैं अपने कोड में, कोड में चाहे तो जो पहली बार देख रहे हैं वो पूरा ही हटा सकते हैं, मैं पूरा ही हटा देता हूँ, ये सारी चीजें हटा देते हैं। स्टाइल के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं देखिए, यहां पर बस आप एक काम करिएगा कि ये सब हटा दीजिए, कुछ भी मत रखिए, ये सब हटा देते हैं, बस ये जो पी है पैराग्राफ रखते हैं, अलग अलग इसका कलर दे देंगे। तो एक तो अल्फा के हिसाब से हम देखेंगे कि अल्फा चैनल कैसे ये चेंज करेगा, पहली चीज तो यही देखेंगे, और फिर उसके बाद हम कलर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लेट अस टेक दी अल्फा चैनल का एग्जांपल। इसके लिए ऐसे करें, हमारे पास ये पी है तो पी में कुछ ऐसा टेक्स्ट लिख देते हैं कि आपको ये सब दिखाई दे। ओके, जैसे मैं आपको कर देता हूं यहां पर, ये पी है, अब इस पी को इसको आईडी दे देते हैं P1, ये P1 हो गया। अब आप देखिएगा कि मैं इस हेलो CSS, अब इसका नाम हम दे देते हैं कलर्स, CORS, सम टेक्स्ट, P1 हो गया ये, Z, ये कर P1 हो गया। अब देखिए एक दो, अभी तीन मैं करके दिखाता हूं आपको, इसमें हम जो ओपेसिटी है उसको चेंज करेंगे, विल चेंज दी ओपेसिटी। पहले मैं रेड दिखा देता हूं, उसके बाद बाकी कलर्स देख लेंगे। तो यहां पर आपको करना क्या होगा, ये हमारे पास P है ID 1, ये ID 2 है और यहां पर ID आपके 3 हो गई। ओके, यहां पर आप स्टाइल में आइए इधर पे, और यहां पर आपको जो प्रॉपर्टी देनी है उसमें हैश पी वन दे देंगे, और यहां पर ब्रेसेस लगा के बस बैकग्राउंड कलर कर दीजिए, बैकग्राउंड कलर, और यहां बैकग्राउंड कलर कैसे देंगे, RGBA कर देंगे। यहां पर आप दे दीजिए जैसे पहले देते थे वैसे देंगे, और उसके बाद यहां अंदर क्या लिखेंगे, मान लीजिए मैं R देना चाहता हूं तो 255, पहले रेड के शेड देख लीजिए आप क्या क्या आएंगे, यहां पर कॉमा करिए 0,0, इसका अंदर रेड है ये, और यहां पर आप अलग अलग वैल्यू दे दीजिए जैसे 0.2 दे दीजिए, 0.2 हो गया। इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, तीन वेरिएशन दिखेगा आप इसके, ये और ये, तीन तीन, क्योंकि पी बना है ना,
तीनों को आपको दिखाता हूँ, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, और फिर यहां पर पॉइंट टू है, इसको कर दीजिए पॉइंट फोर और पॉइंट सिक्स। अब आप समझ गए, पॉइंट जीरो करूंगा, जीरो पॉइंट जीरो करूंगा तो वो तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और अगर वन करूंगा तो ओपेक हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस में आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ओके, कंट्रोल एस करिए, अब इसको करा दीजिए रन। अब केवल आप रेड ही देखेंगे, लेकिन रेड के अलग अलग शेड देखेंगे, तो देखिएगा ये रेड कलर है और ये आपका अलग अलग शेड है। केवल हमने इसके पीछे क्या किया है, ट्रांसपेरेंसी चेंज की, ट्रांसपेरेंसी चेंज की। अब आप बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज करना चाहूंगा, तो आप एक काम करिए, यहां पर एक बार 255 था, यहां पर एक बार 255 यहां कर दीजिए, एक बार 255 यहां कर दीजिए, कुछ वेरिएशन दिखेगा आपको कलर का, और इसको रन करा दीजिए। ये अलग अलग कलर है, अलग अलग आपके शेड्स में, अलग अलग शेड्स क्या कहूंगा मैं इसको, अगर मैं ओपेसिटी कहूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये बात हो गई आपकी। अब हम जो अगले अगले चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका HSL, HSL। अब ये क्या है, एक तो HSL है, उसके बाद HSLA आएगा। पहले HSL देखेंगे, फिर आपको HSLA बताएंगे। HSL क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। HSL का मतलब ये, H मतलब होता है इसमें ह्यू, S का मतलब सैचुरेशन, और L मतलब लाइटनेस। एक तो RGBA हो गया, अगला है HSL। H का मतलब है ह्यू, S का मतलब सैचुरेशन, और L का मतलब है लाइटनेस। जो HSL कलर वैल्यू है इसको हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कैसे कोड में लिखेंगे, HSL करेंगे, यहां पर ह्यू होगा, यहां सैचुरेशन होगा, या लाइटनेस। तो ह्यू ये एक डिग्री है कलर व्हील पे, 0 से 360 डिग्री अगर आप इस तरीके से कलर व्हील घुमाए तो उस पर्टिकुलर कलर की क्या वैल्यू है 0 से लेकर 360 में। 120 जैसे 0 मान लीजिए तो रेड हो जाएगा, 120 डिग्री पे जाइए तो ग्रीन हो जाएगा, और 240 पे जाइए तो ब्लू हो जाएगा। तो 360 डिग्री में अगर आप इस तरीके से करें तो यहां पर 0, 120, 240, तो RGBA कलर व्हील में आपका ह्यू बताता है कितना डिग्री है कलर का। फिर इसमें सैचुरेशन, सैचुरेशन क्या बताता है, ये एक परसेंटेज वैल्यू है, जैसे जीरो करेंगे तो कुछ भी कलर नहीं है, 100% करेंगे तो उसका फुल कलर, मतलब कितना व्हाइट उसमें मिला हुआ है, जो व्हाइट की मिलावट है वो है इसके लिए। तीसरा है आपका लाइटनेस, लाइटनेस क्या बताता है, ये भी परसेंटेज है, 0% मतलब डार्क ब्लैक, 100% मतलब व्हाइट। तो अगर मैं HSL का आपको एग्जांपल दूं कि HSL कैसे होता है, और इसी तरीके से अगर हम HSLA के बारे में बात करें तो HSLA एक्सटेंशन है HSL का, ह्यू सैचुरेशन एल लाइटनेस का, ये केवल एक एक स्टेप अहेड है। HSLA ये कलर वैल्यूज, ये एक्सटेंशन है अल्फा चैलेंजर्स के साथ, तो अल्फा चैलेंजर में आरजीबी में देखा, आरजीबीए में वैसी HSLA में भी है। तो HSA कलर वैल्यूज को हम स्पेसिफाई कैसे करते हैं, HSLA ह्यू सैचुरेशन लाइट और यहां पर अल्फा वैल्यू देंगे। जब अल्फा वैल्यू क्या बताएगी, ये बताएगी ओपेसिटी। तो अल्फा पैरामीटर 0.0 का मतलब फुली ट्रांसपेरेंट, और 1.0 का मतलब ओपे, ट्रांसपेरेंट मतलब आगे की सारी चीज दिखेगी, ओपेक मतलब वो सारी चीजें छुपा देगा। तो इस तरीके से हम एक एक करके पहले हम HSL देख लेते हैं, और उसी को फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम HSLA देखेंगे। RGB तो हमने देख लिया अलग अलग ओपेसिटी डाल के। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अलग से भी आप ओपेसिटी दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जैसे ओपेसिटी यहां दिया, मैं एक मिनट जरा इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ HSLA में जाते हैं, क्योंकि एक छोटी सी चीज, वरना कोड चेंज हमें करना पड़ेगा। तो जो कोड बना हुआ है इसी में अगर मैं ये बताऊँ, ये कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर HSL और HSLA बताता हूँ आपको। ये 255 00 है ना, यहाँ पर यहाँ तक ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ये इसमें ओपेसिटी अलग से भी लिख सकते हैं। ओपेसिटी CSS की ओपेसिटी प्रॉपर्टी अलग से प्रॉपर्टी ये सेट करती है ओपेसिटी पूरे एलिमेंट की, जिसमें बैकग्राउंड कलर भी होगा और टेक्स्ट भी होगा, और बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट दोनों ओपेक होंगे। अभी आपने जो देखा इस वाले में, आपका कलर जो है, ये देखिए
केवल कलर आपका चेंज हुआ था ओपेसिटी में। मैं अगर इसको पहले वाले को आपको ध्यान हो जो एक ही रेड शेड का कलर आया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चीजें चेंज हो रही है जो अभी मैं ओपेसिटी बताऊंगा। तो ओपेसिटी अगर हम अलग से लिखते हैं तो ओपेसिटी प्रॉपर्टी जैसे 0.0 से 1.0 तक जाती है, तो अब देखिएगा कि जिसमें जो बैकग्राउंड कलर है और टेक्स्ट दोनों के दोनों उपयोग होंगे। ये एग्जाम्पल इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ये बहुत भयंकर और बहुत सुंदर आपका व्यू देता है। मैं इसको अलग करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये आर जी रेड, पहले तो रेड ही दे लेते हैं, रोजेट कंट्रोल जेड, ये रेड के ही मैं आपको अलग अलग वेरिएशन दिखाता हूँ। इसमें क्या करेंगे, इसको हटा देंगे ये वाले को, और यहाँ क्या लिख देंगे ओपेसिटी, क्या लिख देंगे ओपेसिटी, वो अलग कर देंगे। अभी मैं हटा रहा हूं उसको, ओपेसिटी ओपेसिटी हो जाएगी आपकी, मान लीजिए एक ही कलर दे दीजिए, 0.2 ओपेसिटी आपकी, 0.2 विद सेमीकोलन, सेमीकोलन जरूर लगेगा। इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, यहाँ और यहाँ, और यहाँ एक बार 0.4 ले लीजिए, यहाँ पर एक बार 0.6 ले लीजिए। ओके, अब ये कॉमा हटा दीजिए। तो हमने क्या किया, रेड के ही, रेड के लिए ही अब ओपेसिटी जो हमने तय की वो थोड़ी अलग होगी। वो क्या करेगी, उस टेक्स्ट को भी हटाएगी, टेक्स्ट को भी मतलब ओपेक या ट्रांसपेरेंट बनाएगी। आरजीबी ये हो गया और ओपेसिटी ये हो गया, कंट्रोल एस करिए, तो ये आरजीबी ए नहीं होगा, आरजीबी होगा। ओके, लेट अस रन इट नाउ। देखिए साहब, ये आपका इसमें जितना भी आपने ओपेसिटी दी है वो टेक्स्ट को भी जा रही है, एलिमेंट के साथ टेक्स्ट को भी जा रही है। ये आपका सीएसएस की अलग से ओपेसिटी प्रॉपर्टी होती है जो आप अलग से यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको आरजीबी ए के साथ ही यूज करें, ये अलग से यूज करेंगे तो आपने देखा अंदर क्या होगा। अब हम अपने उस पर लौटते हैं, एचएसएल और एचएसएलए पर। एचएसएल मैंने आपको जो बताया था उस हिसाब से हम एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये है कोड, इसमें बैकग्राउंड कलर हमने क्या दिया, आरजीबी ना, हम इसको कर देते हैं एचएसएल। क्या करेंगे, एचएसएल यहां पर क्या देना है आपको, पहला जो मैंने बताया था वो आपको जो सर्कल है, कलर सर्कल है, कलर व्हील कहते हैं उसको, 0 से 360 डिग्री, और उस कलर व्हील में जैसे 0 मैंने बताया आपको या 360, 0 से 360 एक ही बात होती है क्योंकि घूम के तो वहीं पहुंचेंगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, एंड पॉइंट भी वही है। 0 और 360 रेड होता है, और इसी तरीके से 120 ग्रीन होता है, 240 ब्लू होता है। तो लेट अस, क्योंकि हम रेड से ही देख रहे हैं तो रेड देख लेते हैं, फिर मैं कलर चेंज करूंगा इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आप दे दीजिए वैल्यू इस जगह पे एचएसएल में, यहाँ दे दीजिए अभी 0 या 360, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर अब हम जो सेचुरेशन ले रहे हैं वो हम कर देते हैं मान लीजिए 100%, 100% लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, परसेंट लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा, 100% लिखना पड़ेगा। और उसके बाद ये ओपेसिटी तो इसमें रहेगी नहीं, इसको हम हटा देंगे, और फिर यहां पर आप लिखेंगे जैसे अब मैं अलग अलग लाइटनेस बढ़ा दूं, और लाइटनेस 0 डार्क होता है, 100 वाइट होता है, तो मैं एक्चुअली घटा रहा हूं। जब मैं नंबर बढ़ाऊंगा तो मेरी लाइटनेस घटेगी, यानी कि मैं यहां पर 30% देता हूं तो ज्यादा दिखाई देगा, 90% में कम दिखाई देगा आपको। तो अब एक काम करते हैं, एचएसएल हो गया, ये जो पॉइंट है इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहां पर वैल्यू चेंज करनी है बस। एक बार हम क्या करेंगे, एक बार 30% ले रहे हैं, एक बार हम ले लीजिए 50%, 50% और एक बार हम ले लीजिए 70। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक और जोड़ देते हैं ताकि चार वेरिएशन में ज्यादा अच्छा दिखता है। यहां पर लीजिए P4, एक P4 और बना देंगे नीचे, और अब इसको 90% कर देते हैं तो स्मूथ वेरिएशन आपको दिखाई देगा। ये क्या P4 और कर दीजिए, पैराग्राफ और बना दीजिए, थोड़ा पैराग्राफ को डिव में डाल के और अच्छा सुंदर बना सकते थे, लेकिन ये डेमोंस्ट्रेशन पर्पस के लिए काफी है। तो क्या हो गया इसमें, हमने कहा HSL, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। 0 हर बार 0 दे दिया क्योंकि हम रेड चाहते हैं। अभी मैं इसको कलर वेरिएट करूंगा, अभी कलर वेरिएट करता हूं उसको, कंट्रोल एस करिए और देखिए एरर तो नहीं है कोई,
यहाँ देखिए, जैसे आपने सुना होगा कि चेरी रेड है, कुछ कुछ ब्रिक रेड है, ऐसे रेड रहते हैं ना, ये सारे वेरिएशन आपको इस तरीके से मिल रहे हैं। कितना वेरिएशन है, ये एक ही कलर है, कलर मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया, लेकिन HSL देखिए ह्यू सेचुरेशन वैल्यू से कितना एक ही चीज कैसे वेरिएट करती है। केवल मैंने यहां पर ओनली वी हैव चेंज द लाइटनेस एंड सी द लाइटनेस हैज डन एवरीथिंग राइट फ्रॉम ब्राउन, मतलब ब्राउन से लेकर पिंकिश टेक्सचर भी इसमें दिख रहा है। अब थोड़ा सा मैं इसको काम कर रहा हूं 120 कर देता हूं, थोड़ा ग्रीनिश आप चेंज देखिए, ग्रीन में क्या क्या चेंज होते हैं, ये ग्रीन में 120 मैंने आपको बताया था ग्रीन है, जैसे 240 ब्लू है, तो देखेगा ग्रीन में क्या चेंज होता है। कंट्रोल एस रन, ये देखिए ग्रीन में कितना चेंज हुआ, कितना वेरिएशन हुआ। और ये जब वेबसाइट पे आएगा, जब आपके अब जब इसको वाकई में कोड करेंगे तब आप देखिएगा इसकी सुंदरता देखते ही बने। अब आपका कहना है कि देखिए मैं तो इस टेक्स्ट को भी देना चाहता हूं, इस ये जो टेक्स्ट ना इसके साथ भी थोड़ी सी चेंज हो, या फिर मैं इसमें और भी वेरिएशन चाहता हूं, अल्फा चैनल देना चाहता हूं, तो उसके लिए हमारे पास HSLA है, तो ए लगा दीजिए इसके आगे, ए ए ए ए, और जो RGB में सीखा आपने वो यहां लगा दीजिए। क्या सीखा था आपने, बाकी सब सेम रहेगा, इसको पॉइंट ये 0.0 से 1.0 तक दे सकते हैं, तो आप कहते हैं मैं इसको 0.2 देता हूं, इसको कर देते 0.4 और इसको कर देते हैं 0.6 और आगे जो है उसको हम कर देते हैं 0.8। लीजिए साहब, और ग्रीन का बेहतरीन वेरिएशन देखिए HSL में, HSLA अल्फा चैनल भी आ गया इसमें, HSLA। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, 120% दिया, अब एक चीज इसमें रह गई, वो है हमारी जो हमने चेंज किया वो हमने दिया नहीं, मतलब L वाली पे पेस्ट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर फिर से वही डाल देते हैं, 30% हो गया, क्योंकि चार वेरिएबल चाहिए इसको, 3 वेरिएबल से काम नहीं चलेगा ये। इसको दीजिए 50% दे दीजिए और इसको दे दीजिए 70% टू जेड 70% दे दीजिए इसको, एक हो जाएगा 90%। जैसे में चार पैरामीटर आएंगे आपके 90%। कंट्रोल एस अब रन करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर चलेगा, बेहतरीन ये आपका। देखिए पिछले वाले से कितना वेरिएशन है इसमें, अब आपकी ओपेसिटी भी आ रही है, ओपेसिटी को जैसे आपने ये सब चेंज किया, बाई चांस आप बोलते हैं कि देखिए साहब मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मान लीजिए इसको 60% कर दीजिए, कुछ चेंज कुछ वेरिएशन करिए इसको 60% कर दीजिए, कहीं इसमें इस कलर को चेंज कर दीजिए, 120 की जगह 240 कर दीजिए। थोड़ा मैं ये बता रहा हूँ कि आपके जब वेबसाइट में आप कलर दिखेंगे अलग अलग, तो वो कैसे दिखेंगे, और उसमें अलग अलग ओपेसिटी होगी, अलग अलग आपकी अल्फा चैनल्स होंगे। देखिए बेसिकली आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से ही कलर लेगी, तो ये हमने HSL देखा, ओपेसिटी मैंने आपको पहले बता दिया, तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपके कलर्स की। ठीक है, तो कलर्स की बात यहीं तक, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।